हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट दोस्तों लोस एंड साइंस में हम लोग बात रहे हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फिजिक्स के कंसेप्ट के बारे में तो दोस्तों बात करते हैं पहले दाब या प्रेशर के बारे में दोस्तों दाब या प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं अर्थात पी बराबर एफ अपॉन ए एफ पृष्ठ के लंबवत बल और ई e, पृष्ठ का क्षेत्रफल दाब का ऐसा मात्र न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल भी कहते हैं यह एक अदिश राशि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर समानता वायुमंडलीय दाब व दाब होता है जिस पर पारे की छिहत्तर सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा जीरो डिग्री सेल्सियस पर पैंतालीस डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है या एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के छिहत्तर सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब को ऐसा मातक बार होता है एक बार बराबर दस की घाट पाँच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वायुमंडलीय दाब दस की पर पाँच न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिसके कारण पहला पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है दूसरा वायुयान में बैठे यात्रियों के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है इसकी सहायता से मौसम संबंधी पुनर्विर्माण लगाया जाता है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाक से नीचे जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है बैरोमीटर का पख्यांग जब नीचे की धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है और धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है द्रव में दाब द्रव में अड़वों के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण द्रव का दाब कहते हैं द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई द्रव के घन तो अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के क्षेत्रफल के बराबर होता है जो कि बी बराबर एच डी जी है और स्थित द्रवों के किसी भीतर किसी भी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है हम लोग बात करेंगे प्रश तनाव की यानी सत्संजन बल यानी कोशी फोर्स एक ही पदार्थ के अड़ुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कोशिव फोर्स या ससंजक बल कहते हैं ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है फलस्वरूप उनके आकार में निश्चित होते हैं और गैसों के समंजक बल का मान नगड़ होता है एडिसिव फोर्स दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल आकर्षण बल को एडिसिव फोर्स या असंजक बल कहते हैं असंजक बल के कारण एक ही वस्तु एक दूसरे से चिपकती है सरफेस टेंशन द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है इसे ही पृस्थ तनाव कहते हैं किसी द्रव का प्रस्तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है यदि रेखा की लंबाई एल है और पर एफ बाल कार्य कर रहा है तो प्रस्तनाव टी बराबर एफ बाई एल होगा तनाव का ऐसा मात्रा न्यूटन पर मीटर होता है द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया जाता है द्र... कार्य द्रव के पृष्ठ के तनाव के बराबर होता है इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रा जूल पर मीटर स्क्वायर होगा द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप यह शून्य हो जाता है नोट गुलनशील नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है कोशिक तत्व केश नली या कैप्टरी ट्यूब एक ऐसी खगोली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाता है केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को कोशिक तत्व या कैपलरी कहते हैं द्रव के केश नली के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के का कारण कारण द्रव का प्रश्न है कि सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है या केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है समानता जो द्रव जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है जैसे जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केस नली के अंदर धसा हुआ रहता है इसके लिए स्पर्श इस कोण या एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट या न्यून कोण होता है इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डूबाया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे की सतह के नीचे रहता है और केस नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है कोशिक तत्व के उदाहरण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे रेशे केस नली की तरह कार्य करते हैं लालटेन या लैम्प की बत्ती में कोशिक तत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है पेड़ पौधों की शाखाओं तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण कोशिका तत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली एक दूसरे के सिरे तक पहुंच जाएगी और केश नली कितनी ही लंबी क्यों ना हो वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशनलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके और वह मिट्टी नवी बनी रहे पेन के बीच निब से चीरा होता है इससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बनाई जाती है केश नली द्वारा स्याही निब की नोक तक चढ़ जाती है कोशिक तत्व तो की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है पतली सुई प्रस्तनाव के कारण ही पानी में तैरी जा सकती है साबुन डिटर्जेंट आदि जल का प्रस्तनाव कम कर देते हैं अतवा वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिसके कारण कपड़ा ज़्यादा साफ होता है साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका प्रस्तनाव कम हो जाता है पानी पर मच्छरों के अलावा तैरते हैं परंतु पानी में पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका प्रस्तनाव कम हो जाता है जिससे वो पानी में डूबकर मर जाते हैं गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का प्रस्तनाव कम होता है अथवा जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है बात करेंगे श्यानता यानी विस्कस श्यान बल यानी विस्कस फोर्स की किसी द्रव या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल या विस्कस फोर्स कहते हैं विस्कॉसिटी श्यानता तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है श्यांता कहलाता है सियांता केवल द्रव और गैसों का गुण है द्रवों में श्यांता अड़वों के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है गैसों में श्यांता उसके परत गैसों में श्यांता उसकी इसकी एक परत से दूसरी परत के अड़वों के स्थानांतरण के कारण होती है गैसों में सियांता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है ठोसों में सहायता नहीं होती है एक आदर्श तरल की सहायता शून्य होती है ताप बढ़ने पर द्रवों की सहायता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है किसी तरल की स्यान्ता का कायता गुणांक कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापी जा सकती है इसका ऐसाई मात्रा डेकाऑप्टवाज या पॉइंजली या पास्कल सेकंड है इसे प्रायः नीटा के द्वारा सूचित किया जाता है सीमांत वेग जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है किंतु कुछ समय पश्चात यह नियत वेग से गिरने लगती है इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्पादन बल के योग के बराबर होते हैं अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से छोटी वस्तु के वेग को कम कर देती थी अब बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखी प्रवाह के बारे में द्रव का एक ऐसा प्रभाव जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरता गुजरा था धारा रेखी प्रवाह कहलाता है इनमें किसी भी नियत बिंदु पर प्रभाव की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग धारा रेखी प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं अर्थात धारा रेखी प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षिप्त हो जाए वह क्रांतिक वेग कहलाता है यदि कोई द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रभाव मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है जैसे ज्वालामुखी निकलने से वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है और घनत्व ही उसकी वेग को निर्धारित करता है बनौली का नियम जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाभ ऊर्जा कथित ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का योग नियत रहता है इस प्रमेय पर आधारित बैरोटीमीटर से नली में द्रव का प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बलों से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है प्रत्यास्थ की सीमा या इलास्टिक लिमिट विरूपक बल के परिणाम सीमा जिसमें कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्याशा का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ के प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है प्रत्याश की सीमा कहलाती है विकृति या स्ट्रेन किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि हो एल में वृद्धि एल होती है तथा एल बाई एल की विकृति कहते हैं प्रतिबल या स्ट्रेस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं प्रत्याष का यंग मापक प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ के प्रत्याशा का यंग मापक कहते हैं हुक्सला प्रत्याष्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमान पाती होती है प्रतिबल डायरेक्ट्री प्रश्न टू विकृति यानी प्रतिबल अपन विकृति बराबर कैपिटल ई एक नियतांक है जो कि प्रत्याष्ठा का गुणांक है प्रत्याशा गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न होता है

पिरोडिक मोशन एक निश्चित पथ पर गति करते वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं दोलन गति या ऑक्सिलोमेट्री मोशन किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कंपनिक गति कहते हैं एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण करन को अपनी साम्य स्थिति के एक और जाना और फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः शाम स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है आवर्तकाल या टाइम पीरियड एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है तो उसकी तो उसकी आवर्ती कहते हैं इसका ऐसाई मात्रक हर्ट्स होता है यदि आवृत्ति एन तथा आवर्तकाल टी होता है तो एन बाई इक्वल टू वन बाई टी होता है सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मिक मोशन यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का तुरंत मध्यमान स्थिति से से वस्तु के स्थापन के अनुक्रमानुपाती पाती हो तथा त्वरण के दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है या सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवद्ध गति की विशेषताएं सरल आवद्ध गति करने वाले कण करन जब अपनी विद्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है दूसरा उसका त्वरण शून्य हो जाता है और वेग अधिकतम होता है गति ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थिति ऊर्जा शून्य होती है सरल सरल गति करने के वाले कण करन जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका तोरण अधिकतम होता है उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है और गति ऊर्जा शून्य होती है स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है सिंपल पैंडुलम यदि एक भारहीन व लंबाई में ना बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल बिंदु गोल परंतु भारी कण को टकरा लटका कर किसी डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल डोलक कह, लोलक कहते हैं यदि लोलक ब्लो ब्लॉप को साम स्थिति में थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है यानी यहाँ पर फॉनर याद करेंगे लोलक का डोरी की प्रभावी लंबाई है और जी त्वरण है निष्कर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी जो है डायरेक्टली पोस्टनल टू है स्क्वायर रूट ऑफ एल अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी बढ़ जाएगा और यही कारण है कि लकड़ी झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी उस जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने करेगा आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है अर्थात झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरा लड़की अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टी ई डायरेक्टरी प्रश्न एल वाई जी यानी किसी लोलक घड़ी की पृथ्वी के पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल टी बढ़ जाता है अर्थात घड़ी सुस्त हो जाएगी क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है यदि लोलक घड़ी की उपग्रह को ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण जी बराबर जीरो हो गए अर्थात घड़ी का आवर्तकाल टी अनंत हो जाएगा अतः उपग्रह में लोलक घड़ी कमी नहीं रहेगी गर्मियों में लोलक की लंबाई एल बढ़ा बढ़ा बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल टी भी बढ़ जाएगा अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी सर्दियों में एल का कम हो जाने पर टी भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा का पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का एक बटा छः गुना होता है बात करते हैं तरंग तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है एक मैकेनिकल वेव एक नॉन मैकेनिकल वे यांत्रिक यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगे वे तरंग के किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस द्रव अथवा गैस से संचरित होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं यांत्रिक तरंगों में लॉगुटोनल वेव यानी अनुदै तरंग और ट्रांसफर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग आती हैं अनुदाय तरंग की बात करते हैं तो जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदै तरंग कहते हैं ध्वनि अनुदै तरंग का उदाहरण है नोट अनुद तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है अनुप्रस्थ तरंग जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के, के लंबवत होती है तो अनुप्रस्थ तरंग होती है आयंत्रिक, आयंत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसी तरंगें जिसके संचार में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती अर्थात तरंगें निर्वात में संचारित हो सकती हैं विद्युत चुंबकीय या आयांत्रिक तरंग कहलाते हैं सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश के चाल के बराबर होती है सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटॉन की बनी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग धैर्य का परिसर दस की पावर माइनस फोर मीटर से लेकर दस की पावर फोर मीटर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुणियाँ इलेक्ट्रॉनिक वेव के प्रॉपर्टीज़ यह उदासीन होती है या अनुप्रस्थ होती है यह प्रकाश के वेग के में गमन कर सकती है इसकी प्रास ऊर्जा एवं संवेग होता है इसकी अवधारणा मैक्सवेल के प्रतिपादित किया गया था वेव मोशन वेव मोशन किसी कारक द्वारा उत्पन्न विभोज के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंगति कहते हैं कंपन की कला या फेस ऑफ वाइब्रेशन आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं निम्न तरंगे विद्युत चमकी नहीं हैं कैथोड किरणें कैनॉल किरणें अल्फा किरणें बीटा किरणें ध्वनि तरंगे और परासव तरंगे आयाम तुलन करने वाली वस्तु अपने साम स्थिति से किसी भी और जितनी अधिक सही दूरी की जाती है उसे दूरी का दोलन या आयाम कहते हैं तरंगधैर्य या वेवलेंथ तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगधैर्य कहते हैं इसे अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है अनुप्रस्थ तरंगों को दो पास पास के रंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी अथवा अनुधारित तरंगों में क्रमागत दो संपीडनों में या में के बीच की दूरी तरंगधैर कहलाती है सभी प्रकार के तरंगों में तरंग की चाल, एवं आवर्ती के बीच निम्न संबंध होता है तरंग चाल बराबर आवर्ती गुड़े तरंग या वी बराबर लैम्डा बात करते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में गामा खोज करता है विलार्ड दस की भवन चौदह से दस की बावनस दस आवर्ती परिसर में दस की भारत बीस से दस की भारत अठारह इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है और इसका उपयोग नाभिकी अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मता में की जाती है एक्स एक्सकिरणें यानी खोजकर्ता रौनजन दस की बहन दस से दस की बानस आठ मीटर तक आवर्ती है दस की भारत अठारह से दस की भारत सोलह चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है पैराबैग्निक वैग्निक किरणें यानी खोजकर्ता रिटर दस की बनेस आठ से दस की मानस सात मीटर दस की पहल सोलह से दस की पौदा तक सफाई सिफाई करने प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है दस विकरण यानी न्यूटन तीन दशमलव नौ दस की वजह सात मीटर से सात दशमलव आठ से दस के बजने सात मीटर तक आवर्ती या परीक्षा दस की पह चौदह से दस की बारह तक इसमें हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं अवृत विकरण या हर्सल सात दशमलव आठ से दस की बजने सात से से दस की माइनस तीन मीटर तक दस की पावर बारह से दस की पावर दस तक ये किरणें उसमें विकिरण है ये किस ये जिस पर वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने वेगियों रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है लघु तरंगे या हाइड्रोजन तरंगे हेनरिक है। स्टार्च ने दस की माइनस तीन से एक मीटर तक और दस की पावर दस से दस की पावर आठ तक इसका आवर्ती हर्ट्ज़ रेडियो टेलीविज़न एवं टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है दीर्घ रेडियो तरंगे मॉरकोनी ने एक मीटर से दस के पास चार मीटर तक और इसका हट से दस, दस तर, के पास छः से दस के पास चार तक रेडियो एवं टेलीविजन में इसका प्रयोग किया जाता है गामा किरण का नामकरण रेडर ने किया था डोट दस के माइनस तीन मीटर से दस के पार माइनस टू मीटर की तरंग शूक्ष तिरंगे कहलाती हैं अब बात करते हैं ध्वनि तिरंगे ध्वनि तिरंगे अनुधार तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परेशान यानी इंफ्रासोनिक वेव बीस हट से नीचे आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को आश्रव्य या तिरंगे या इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है इस प्रकार तरंगों को बहुत बड़े आकार से स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव बीस हट से बीस हजार के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव तिरंगे या ऑडिबल वेव्स कहते हैं इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है अल्ट्रासोनिक वेव या पराश्रव तरंगे पराश्रव तरंगे को अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं यानी बीस हज़ार से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव तरंगे कहा जाता है मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली चमकादार आदि इसे सुन सकते हैं इन तरंगों को गोल्टेन की सिटी के द्वारा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वाड्स के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं इन तरंगों की आवर्त बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है साथ ही इनका तरंग तरंगज छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव के उपयोग या परासर तरंगों के उपयोग संकेत भेजने में समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए कीमित कपड़ों वायुवान तथा घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए कल कारखानों की चिमनियों से कली घटाने के लिए दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क का ट्यूमर पता लगाने में स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्याश्ता तथा घनत्व पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है वायु में ध्वनि की चार तीन सौ बत्तीस मीटर पर सेकंड और जल में ध्वनि की चाल चौदह सौ तिरासी मीटर पर सेकेंड और लोहे में ध्वनि की चाल पाँच एक सौ तीस मीटर पर सेकेंड होती है जो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग बदल जाती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल आपवर्तित तो रहती है ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है वायु में प्रति एक डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जीरो दशमलव इकसठ मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है ध्वनि के चाल पर आर्द्रता का प्रभाव नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व के से कम होता है अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम में वायु तीन मीटर पर सेकेंड हाइड्रोजन बारह मीटर पर सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड 260, भाप सॉलिड रिसमें में सौ पाँच एल्कोहल बारह जल चौदह और समुद्री जल 1530 पारा 1450 और कांच 5640 एल्युमिनियम 6420 लोहा 5130 कैरेक्टर्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के लक्षण तीन लक्षण होते हैं प्रबलता तारत या गुणवत्ता प्रबलता मतलब लाउडनेस प्रबलता ध्वनि की अभिलेखन है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है प्रबलता ध्वनि की अभिलेखन है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है ध्वनि की प्रबलता स्थल व्यक्त करने का मात्रक फोन है तारत या पिच तारत ध्वनि का वाल लक्षण अच्छा है जिससे ध्वनि की मीठी या ग्रीव या पतली सील कहा जाता है तारत्व आवर्त पर निर्भर करता है ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व तो अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है तो आवृत्ति कम होने पर तारत्व तो कम हो जाता है एवं ध्वनि मोटी होती है क्वालिटी ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनिया में अंतर प्रतीत होता है गुणवत्ता कहलाता है ध्वनि की गुणता सनाधि स्वरों की संख्या क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है इंटेंसिटी या ध्वनि की तीव्रता माध्यम से किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकेंड तल के लंबत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता का वाट पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है बेल एक सबसे बड़ा मात्रक है अथा व्यवहार में इसका छोटा मात्रक डेसिबल व्यक्त होता है जो बेल का दसवा भाग होता है ध्वनि की तीव्रता का स्रोत में दूरी के वर्ग के वितुक्रमान प्राप्ति होता है आयाम के वर्ग के अनुक्रमान प्रपाति होता है और आवर्ती के वर्ग में अनुक्रमान होता है तथा माध्यम के घनत्व के घनत् घनत्व के अनुक्रमान प्राति होता है नोट मनुष्य में अधिकतम श्रेवता सीमा 95 फाइव है इसमें अधिक की ध्वनि मनुष्य को नहीं सुन सकता है प्रबलता ध्वनि एवं में संबंध प्रबलता लॉग आई जहाँ पर आई ध्वनि की तीव्रता है प्रबलता और ध्वनि में क्या अंतर है प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है प्रबलता चेतना संबंधी है प्रबलता को मापा नहीं जा सकता और प्रबलता सुनने के कान की सुहाग्रता पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड गुजरती है ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ होती है ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान को सुग्रहता पर निर्भर नहीं करता है नोट ध्वनि सूत्र से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुगृहता पर निर्भर करता है इको, यह ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इसे परिवर्तित ध्वनि या प्रतिध्वनि कहते हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम सत्रह मीटर दूरी होनी चाहिए कान पर ध्वनि का प्रभाव एक बजा सेकंड तक रहता है ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है अनुनाद या रेजोनेंस जब किसी वस्तु के कंपनों का स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है इस घटना को अनुनाद कहते हैं या रजुनेंस कहते हैं ध्वनि का व्यतीकरण या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड जब तो समान आवृत्ति या आयाम की दो तरंगे दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुँचती है तो उस बिंदु को ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है इस घटना को ध्वनि का व्यतीकरण कहते हैं यदि दोनों तरंगे उस बिंदु को एक ही कला फेस में पहुंचाती हैं तो वह ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है इसे सम्पोषी या कॉन्स्ट्रक्टिव व्यक्तिकरण कहते हैं यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती है तो वह वा, वहाँ की न्यूनतम वहाँ की वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है इसे विनाशी या डिस्ट्रिक्टिव व्यक्तिकरण कहते हैं ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड ध्वनि का तरंगधार एक मीटर की कोटी का होता है अब बात करेंगे ध्वनि का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड ध्वनि का तरंग धैर्य एक मीटर की कोठी का होता है अतः जब इस कोठी का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो उसे ध्वनि अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ जाती है इस घटना को ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं डॉपलर इफेक्ट जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसके आवर्तिक आवृत्ति आवर्ति से अलग सुनाई पड़ती है इसे डॉपलर का प्रभाव कहते हैं मेघ संख्या किसी माध्यम से किसी पिंड की चाल तथा तो उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु के उस माध्यम का मेक संख्या कहते हैं यदि मेक संख्या एक से अधिक है तो पिंड की चाल पराधवनिक या सुपरसोनिक कहलाएगी यदि मेक संख्या पाँच से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पार्सनिक या हाइपरसोनिक कहलाती है प्रघाति तिरंगे या सॉक वेव जब पिंड की चाल पराधवनिक हो जाती हैं तो वह अपने पीछे मध्यम से संक्वाकार विपोज कर छोड़ती हैं इस विपोज के संक्षण को ही तरंग कहते हैं अब बात करेंगे ऊष्मा की ऊष्मा या हीट या वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है किसी वस्तु में निहित तो ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है यदि कार्य W ऊष्मा क्यू में बदलता है तो डब्ल्यू बाई क्यू बराबर जे या डब्ल्यू बराबर जे क्यू है जहाँ जे एक नियतांक है जैसे उषमा के यांत्रिक तुल्यांक या मैकेनिकल इक्वलेंट ऑफ हीट कहते हैं जे का मान चार दशमलव एक आठ छः जूल पर कैलोरी होता है इसका तात्पर्य यह है कि यदि चार दशमलव एक आठ छः जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न उष्मा की मात्रा एक कैलोरी होगी ऊष्मा के मात्रा यानी यूनिट्स ऑफ हीट विभिन्न मात्रकों के संबंध है एक वन बी एस टी यू जो होता है वो दो सौ बावन कैलोरी के बराबर होता है और एक किलो कैलोरी चार एक आठ के चार एक आठ छः के चार जूल एक आठ छः के बराबर होता है और एक किलो कैलोरी चार एक आठ छः के जूल के बराबर होता है बराबर एक हज़ार कैलोरी कैलोरी क्या होता है एक ग्राम में जल का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर के लिए आवश्यक ऊष्मा की, की मात्रा को कैलोरी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी या, या इंटरनेशनल कैलोरी की बात करते हैं तो एक ग्राम शुद्ध जल को चौ का ताप चौदह दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस से, से, से पंद्रह दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस से तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की, की मात्रा को एक कैलोरी कहा जाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी बी एस टी यू एक पाउंड जल का ताप तो एक डिग्री फारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को एक बी एस टी यू कहते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर की बात करते हैं तो ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें ऊर्जा के प्रभाव की दिशा को निश्चित करता है अर्थात जिस कारण ऊर्जा स्थानित होती है उसे ताप कहते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर थर्मोमीटर ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं जो निम्न प्रकार के पैमाने से प्रचलित है सेल्सियस पैमाना इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था इस पैमाने में हिमकांक को जीरो डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को सौ डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को सौ बराबर भागों में बांट देते हैं प्रत्येक भाग को एक डिग्री सेल्सियस कहते हैं फॉरन पैमाना इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फॉरन ने किया इसका हिमकांक बत्तीस डिग्री फॉरन एवं भाप बिंदु दो डिग्री फॉरन है इनके बीच की दूरी को एक बराबर भागों में बांट दिया जाता है रोमर पैमाना इसका हिमकांग जीरो डिग्री फॉर आर और भाप बिंदु एट्टी डिग्री आर है इनके बीच का भाग अस्सी बराबर भागों में बांट दिया जाता है कैलविन पैमाना इसमें हिमकांग दो सौ और भाप बिंदु दो सौ तिहत्तर तीन है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का समान सौ भागों में विभाजित कर दिया जाता है चारों पैमानों के संबंध की बात करते हैं तो सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड इज्कल टू एफ माइनस थर्टी टू अपॉन वन एट्टी बराबर आर माइनस जीरो अपॉन एट्टी इज्कल टू के माइनस दो सौ तिहत्तर अपॉन वन हंड्रेड परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिद्धांत रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है परंतु तो न्यूनतम ताप की सीमा है किसी वस्तु पर ताप माइनस दो सौ तिहत्तर पॉइंट वन फाइव डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता इसे परम शून्य ताप कहते हैं कैलविन पैमाने में इसे जीरो कैलविन रखते हैं अर्थात जीरो कैलोमीटर माइनस दो डिग्री सेल्सियस एवं दो सौ तिहत्तर पॉइंट वन सिक्स कैलविन पर जीरो डिग्री सेल्सियस पहले सेल्यूलस पैमाने में सेंटीग्रेड पैमाने कहा जाता है कैलविन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है पारा माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस पर जमता है अर्थात इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल माइनस एक सौ पंद्रह डिग्री सेल्सियस पर जमता है द्रव तापमापी पारा तापमापी लगभग मानस तीस डिग्री सेल्सियस से तीन सौ पचास डिग्री सेल्सियस तक ताप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है पारा थर्मामीटर का आविष्कारक फॉरन हाइट ने किया था गैस तापमापी इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से पाँच हजार पाँच सौ डिग्री सेल्सियस के ताप को मापा जा सकता है हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर पंद्रह सौ डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापन किया जा सकता है पर्यटन प्रतिरोध मापी मा इसके द्वारा माइनस दो डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक ताप को मापा जा सकता है तापयुग में तापमापी इसका उपयोग माइनस दो डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक तापों के मापन के लिए किया जाता है पूर्ण पूर्णविकिरण उत्मापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इस तापमापी में से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है जैसे सूर्य का ताप इसके द्वारा प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊँचे ताप ही मापे जाते हैं इससे नीचे के ताप नहीं क्योंकि इससे ताप, कम ताप की वस्तुएं उसमें विकरण उत्सर्जित उस नहीं करती हैं यह तापमापी स्टीफन के नियम के ऊपर आधारित है इसके अनुसार उस ताप पर किसी वस्तु में उत्सर्जित विकरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमान पाती है विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा ऊष्मा का वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है इसे प्रायः कैप्टन सी द्वारा व्यक्त किया जाता है विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रा जूल किलोग्राम कैल्विन होता है बर्फ इक्कीस सौ कैलोरी पारा एक सौ चालीस बर्फ इक्कीस सौ जूल पर की जी कैलविन और पारा एक सौ पर केजी जी कैल लेड 130 जूल पर केजी जी कैलवे लोहा 460 सौ साठ तेल 210 और जल बयालीस सौ एक ग्राम जल का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उषमा कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है अतः जल की विशिष्ट धारिता को एक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है जल की विशिष्ट धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है थर्मल एक्सपेंशन या उष्मी प्रसार किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है लंबाई में वृद्धि की माप को रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रफल की वृद्धि की माप को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन में वृद्धि के आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है अल्फा बीटा गामा में संबंध अल्फा बीटा गामा वन अनुपात दो अनुपात तीन यहाँ पर बीटा की वैल्यू है टू अल्फा के बराबर और गामा की वैल्यू है थ्री अल्फा के बराबर जल का असामान्य प्रसार प्रायः सभी द्रव नर, नर गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं परंतु जल जीरो डिग्री सेल्सियस से चार डिग्री सेल्सियस से तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा तो चार डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है अर्थात इसका अर्थ यह है कि चार डिग्री सेल्सियस से पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है ऊष्मा का संचरण का व उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर उषमा का संचरण होता है इसकी तीन विधियाँ होती है चालन संवन और विकरण चालन मतलब कंडक्शन चालन के द्वारा उष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपना स्थान परिवर्तित किए बिना पहुँचाती है ठोस में उष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है संवन यानी कन्वेक्शन इस विधि में उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण में धाराएं बहती हैं जिनमें संवहन धाराएं कहते हैं गैसों एवं तरक् में ऊष्मा का संचालन संवहन द्वारा ही होता है वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है रेडिएशन इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम से सहायता के बिना माध्यम के गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधे रेखा में संचरित होती है न्यूटन की शीतलन का नियम समान अवस्था में रहने पर विकरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों के माध्यम के तापांतर के अनुक्र पाती होता है अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी किर्क हाफ का नियम किर्कचॉफ का नियम इसे बोलते हैं इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर रख गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकरण उत्सर्जित करेगी अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी स्टीफन का नियम किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई उसके परम ताप टी के चौथे घात के अनुकरण प्राधिक होता है अर्थात ई डाइटी पर्सनल टू टी की पावर फोर ई बराबर सिग्मा टी की पावर फोर जहाँ सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं अवस्था परिवर्तन तथा तो गुप्त ऊष्मा चेंज इन स्टेट निश्चित ताप पर एक पदार्थ की एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है जैसे त्रिकु बिंदु जब बिंदु किसी तीन पर तीन अवस्थाएं ठोस तरल एवं गैस तीनों एक साथ माई जाती हैं गलनाक निश्चित ताप पर ठोस का द्रव बदलना गलन कहलाता है तथा तो किसी इस निश्चित ताप पर ठोस का गलनाक कहते हैं हिमांग निश्चित ताप पर द्रव को ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं प्रायः गलनाक एवं हिमांक बराबर होते हैं जो पदार्थ ठोस में द्रव बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ़ उनका गलनाक दाब बढ़ने पर घटता है और तो, पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उसका गलनाक दाब पड़ने पर घटता है अशुद्धियाँ मिलने से जैसे, जैसे बर्फ़ में नमक मिलाने से गलनाक घटता है बॉइलिंग पॉइंट या कथनाक निश्चित ताप पर द्रव का वास्प में वाष्प बदलना ही वाष्पन या या निश्चित दाप पर द्रव का खतनाक कहते हैं संगणन निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संग्रहण कहलाता है प्राय खतनाक एवं संगणन ताप समान होते हैं दाब बढ़ने पर कोतनाक बढ़ता है और दाब घटने पर कोथनाक घट जाता है प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का खतनाक बढ़ जाता है जिससे जल की गुप्त उष्मा का मान बढ़ जाता है फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण कोथनाक घट जाता है इसलिए खाना देरी से पकता है अशुद्धियाँ मिलाने पर से भी द्रव का कदनांक बढ़ता है लैट हीट या गुप्त उष्मा नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है इसे ही पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं गुप्त गलन की गुप्तुष्मा लैट एंड हीट ऑफ फ्यूजन नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं बर्फ के लिए गलन की गुप्त उष्मा का मान अस्सी कैलोरी प्रति ग्राम है वाष्प की गुप्त उष्मा इलेक्ट्रेन हीट ऑफ वेपराइजेशन नियत पर द्रव्य के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव का वाष्पन या गुप्त उष्मा कहते हैं जल के वाष्पन में गुप्त उष्मा का मान पाँच सौ कैलोरी प्रति ग्राम है नोट यदि पदार्थ की गुप्त उष्मा एल है तो उस पदार्थ में एम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उषमा क्यूबराबर एम एल होगी गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रा जूल प्रति किलोग्राम है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप में कुतुष्मा अधिक होती है जीरो डिग्री सेल्सियस पर पिघलती हुई बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलना जीरो डिग्री सेल्सियस से घट कर माइनस ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिश्रण कहते हैं इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है वाष्पीकरण या एवोप्रिएशन द्रव में खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव को अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है अथवा किसी द्रव का उसके कतनाक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं प्रसीतक या रेफ्रिजरेटर प्रसीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक कूलिंग उत्पन्न की जाती है तांबे के एक वाष्प कुंडली में द्रव फियोन भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक करता है उत्पन्न करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी दिए गए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आदत कहते हैं इस अनुपात को सौ से गुना करते हैं क्योंकि आपेक्षिक आदत का प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है आपेक्षिक आदत मापने के लिए हाइग्रोमीटर का नामक यंत्र का कर इस्तेमाल करते हैं नियत जलवाष्प तत् पर ताप बढ़ने की अपेक्षिक आदत आरिज घट जाती है वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग समानता मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए ताप तेईस डिग्री सेल्सियस से पच्चीस डिग्री सेल्सियस से और अपेक्षिक आदता साठ से पैंसठ डिग्री सेल्सियस से के बीच में वायु की गति साठ से वायु की गति जीरो मीटर प्रति मिनट और दो से दो मीटर प्रति मिनट तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स बचे कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग